बरेली में हुए दो सड़क हादसों से जिले में कोहराम मच गया। जिले के भसेड़ी थाना क्षेत्र में देर रात दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा थाना क्षेत्र के फोर लेन पर बसे गांव मुड़िया मुकर्रम के पास हुआ। यहां स्कूटी सवार दो बिजली विभाग के संविदा कर्मियों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रात में 2:30 बजे करीब एक स्विफ्ट कार और एक जायलो कार आमने सामने टकरा गई नेशनल हाईवे पर, बरेली नैनीताल हाईवे पर। तो एक कार में एक व्यक्ति था, एक में तीन व्यक्ति थे, चारों की डेथ हो गई। और कल दिन में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें दो लड़के एक कार से टकरा गए थे, उन दोनों लड़कों की मौत हो गई थी। हाँ, परिजनों को सूचित कर दिया गया था, उत्तराखंड के रहने वाले थे, और इसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज रहे हैं।